एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरन चावला व्लॉग्स। आज हम फिर से हडसन लेन ही आए हैं, हडसन लेन का एक और कैफे कवर करने, दैट इज बिग येलो डोर। बिग येलो डोर सत्य निकेतन में भी है और हडसन लेन में भी है। आज हम हडसन लेन वाला कवर कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये कैसा बना हुआ है, क्या है यहाँ पर, क्या टेस्टी है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ये सेकेंड फ्लोर पे है यहाँ पर। अब हम ऊपर चलते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो, ताकि और वीडियोस जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स गो। सो गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत थक गए, सेकंड फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के आना है, तो बिग टास्क। एनी विच वेज, ये है बिग येलो डोर। अब हम अंदर चलते हैं। ओहो, यहाँ पर भी वेटिंग है यार, ये हडसन लेन के कैफे में मेरा हर जगह वेटिंग हो गया है। बट एनी विच वेज, अभी 5 मिनट की वेटिंग है, तब तक हम आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाते हैं, बैकग्राउंड दिखाते हैं, क्या लाइटिंग है यहाँ पर, तो देखते हैं एम्बियंस। वाटरमेलन मोइटो, और आई वाज एक्चुअली शॉक टू सी कि ये देखो, ये वाटरमेलन के अंदर ही बनी हुई है। तो ना, ये जब आया वी वर लाइक ये क्या है, उन्होंने बोला आपने ही तो मंगवाया है वाटरमेलन मोइटो, सो दिस इज रियली नाइस। हमारा रिएक्शन एकदम से सडन कि ये क्या आ गया है, हमने वाटरमेलन थोड़ी मंगवाया, हमने तो मोइटो मंगवाई है, बट देन वी नोटिस कि इसके अंदर है मोइटो। लेट्स जस्ट टेस्ट दिस। इसके अंदर मतलब फिज वाला टेस्ट भी आ रहा है और वाटरमेलन का टेस्ट भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। और स्पेशली तो मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है जिसके अंदर ये आया। ओह माय गॉड, मंगवाया है पेरी पेरी पनीर टिक्का, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीस है उसका और ये मिंट सॉस है, हम खाने वाले हैं। मसाला बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से ये रोस्ट हुआ हुआ है, बहुत क्रिस्पी है, नाइस। सो गाइस, ये था हमारा बिग येलो डोर का व्लॉग। आई होप आपको ये कैफे पसंद आया हो, बहुत अच्छा कैफे बना हुआ है ये, और वाटरमेलन मोइटो वाज द बेस्ट थिंग, हमें बहुत अच्छी लगी वो, क्योंकि जिस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा हमने, जैसे आपने देखा, पेरी पेरी पनीर टिक्का मंगवाया था, तो ये दोनों चीज़ों का हमारा बिल कुछ 500 रुपीज़ के आसपास आया, मतलब दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप दो चीज़ें मंगवाते हो तो 500 to 600 आपका बिल आएगा फॉर टू पीपल, सो दिस इज अफोर्डेबल कैफे। और कॉलेज स्टूडेंट्स तो आजकल कैफे घूम ही रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। बाकी अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करने हैं, सो नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।